गुलाबी तेरी सुबह, गुलाबी तेरी शाम, हर पहर गुलाबी, गुलाबी शहर नाम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हवा महल, सिटी पैलेस और अल्बर्ट म्यूज़ियम की खूबसूरती को अपने दिल में सजोए हुए मैं अब चल चली हूँ आमेर पैलेस, जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। तो चलो, मेरे इस नए सफ़र में आप सभी का स्वागत है और मैं डायरेक्टली अब आप लोगों से मिलती हूँ अंबर फोर्ट या फिर आमेर पैलेस। आमेर पैलेस और अंबर फोर्ट दोनों एक ही जगह का नाम है, चलो चलें। दोस्तों, अंबर पैलेस जो है यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। जोधा अकबर और बाजीराव मस्तानी मूवी आप सबने देखा होगा, तो उस मूवी की शूटिंग जो हुई है इस पैलेस में हुई है। तो चलिए डायरेक्ट हम पैलेस। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आमेर फोर्ट आ गई हूँ और ये है मेरे गाइड। ये मुझे आज पूरा यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा, 30 ईयर से मैं बात में। ओके, तो संजय जी आज मुझे बिल्कुल पूरा हेल्प करेंगे फोर्ट को घुमाने में। तो मैं संजय जी के साथ निकल रही हूँ फोर्ट के लिए। दोस्तों, ठीक मेरे सामने, मेरे पीछे आप देख सकते हो जयगढ़ है, जो कि 1000 वर्ष पुराना है और उस वो आर्मी के, मतलब वहाँ आर्मी पर्पस से उस किले को बनाया गया था। दोस्तों, धूप में घूमने के बाद अभी अंदर आ गई हूँ और बड़ा सूदिंग सा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है यहाँ पे। देखो, जाएंगे पैलेस की तरफ, मजा आने वाला है। दोस्तों, ये है टिकट काउंटर और यहाँ से मैंने 100 rupees की टिकट ली, सिंगल टिकट। और फॉरेनर के लिए जो टिकट प्राइस है वो अलग है, 500 है ना। हाँ, तो इंडियन के लिए यहाँ आमेर पैलेस का जो टिकट है वो 100 rupees है और जो फॉरेनर हैं उनके लिए 500। अरावली की पहाड़ियाँ हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही। और अभी मैं 400 फीट की ऊंचाई पे हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, अभी मैं आ गई हूँ अंबर पैलेस के दीवाने आम में। उस समय के राजा जो है इसे पब्लिक मीटिंग के लिए, अपने जनता से मिलने के लिए यूज़ करते थे। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये 48 pillars पे बना हुआ है, जिसमें 16 pillars जो है वो संगमरमर के बने हुए हैं और बाकी के जो पिलर्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सैंडस्टोन के। अभी मैं आ गई हूँ सीस महल, जो कि 350 years ओल्ड बना हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मिरर देख सकते हो, जिसे कि आईना, दर्पण बोलो, मिरर बोलो, जिसे कि ईरान से लाया गया था और उसे दिल्ली में उसको फिर तराशा गया। और ये नीचे आप जो देख रहे हो फर्श, यहाँ पे कारपेट बिछाए थे, 7 days में 7 colors के कारपेट बिछाए जाते थे और जिस कलर का कारपेट बिछाया था उस कलर का सीस महल होता था। तो सीस महल जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत महल है। दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ पैलेस के मेन गेट के पास, जिसे गणेश पोल बोलते हैं। और आप देख सकते हो 3 वहाँ पे झरोखा जैसा है, खिड़की जैसा है, जो कि उस समय क्या पर्दा प्रथा था, तो रानियाँ जो है बाहर पब्लिक में नहीं आ सकती हैं, तो वहाँ से फिर वो आम जनता को देखती थी या जो भी चल रहा है दरबार में उस चीज़ को देखती थी। और ये है गणेश पोल और ये यहाँ का मेन पैलेस का ये गेट है। दोस्तों, अभी आप ना छत पे देख सकते हो एक पेंटिंग है गोल्ड कलर की, ये 24 कैरेट गोल्ड की पेंटिंग है, जो कि 350 years 350 years ओल्ड पेंटिंग। दोस्तों, सीस महल में मुझे न्यू सब्सक्राइबर भी मिले। आप बताओ आपका नाम क्या है? नरेश।
नरेश। ओके, तो नरेश मुझे यहाँ पे मिले और इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच नरेश। और इनके साथ इनके फ्रेंड है मुरली। ओके, सो थैंक यू सो मच नरेश एंड मुरली। दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ दीवाने खास के पास। अंदर जाना अलाउड नहीं है और ये वो जगह है जहाँ राजा अपने जो बहुत उनके इम्पोर्टेंट और ख़ास लोग होते हैं उनसे वो मीटिंग किया करते थे। यहाँ पर भी पूरा सोने का वर्क किया हुआ है और मिरर का वर्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत है तो धीरे धीरे हम मानसिंह महल की तरफ बढ़ गए हैं, तो डायरेक्ट आपको मानसिंह पैलेस की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ मानसिंह पैलेस में, राजा मानसिंह के पैलेस में। आप ये देख सकते हो, ठीक मैं उंगली को पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो राजा मानसिंह का पैलेस है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि राजा मानसिंह की 12 पत्नियाँ थी और उनकी सारी पत्नियों के लिए अलग अलग महल या एक तरह से अपार्टमेंट बना हुआ था। और ठीक मेरे सामने, मैं कैमरा को पॉइंट आउट करवा रही हूँ, ये है 12 दरी करके एक प्लेस है जहाँ पे वो अपनी 12 रानियों के साथ यहाँ बैठते थे, तो ये वो प्लेस है। तो दोस्तों अभी मेरे सामने आप देखो, ये कढ़ावा करके मतलब है, मेटल का कुछ है जिसे जोधा अकबर मूवी में ना शूटिंग के लिए इसे यूज किया गया। दोस्तों अंबर पैलेस का मेरा जो विजिट था ये यहीं पे कंप्लीट होता है और अब मैं निकल रही हूँ मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के। तो अब मैं डायरेक्टली आप लोगों से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे दोस्तों आमेर पैलेस का विजिट करके हम और शर्मा जी दोनों वापस आ गए हैं। ये हैं संजय शर्मा जी और ये यहाँ के टूरिस्ट गाइड हैं। इन्होंने बहुत ही मुझे बहुत हेल्प किया आमेर पैलेस को घूमने के लिए। और मेरे ब्लॉग के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप आमेर पैलेस आते हो तो बिना टूरिस्ट गाइड के आप नहीं जाना। पैलेस बहुत बड़ा है और आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि आपको किधर जाना है और ये क्या चीज़ है और इस पैलेस का क्या इम्पोर्टेंस है। तो संजय शर्मा जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद करी। दोस्तों सुबह से चाय नहीं पिया है तो यहाँ बहुत अच्छी चाय मिल रही है तो यहाँ मैं रुक गई हूँ चाय के लिए। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बाइक का वेट कर रही थी क्योंकि यहाँ से मैं बाइक से जाने वाली हूँ, ओला से मैंने बाइक बुक किया है। तो ये दो यहाँ पे मुझे लेडी मिल गई, इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैं जयपुर में अकेली हूँ, तो ये बड़ा अच्छा लगा। आप लोग क्या करते हो? ज्वार देता हूँ, आटा देता हूँ। अच्छा अच्छा, ज्वार आटा देता। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों आमेर पैलेस विजिट के बाद अभी मैंने एक ऑटो बुक कर लिया है और इस ऑटो से मैं जयगढ़ पैलेस और नाहरगढ़ जाऊंगी। और ये ऑटो जो है मैंने दोनों साइड के लिए बुक किया है और आना जाना मेरा और ये वापस मुझे जल महल के पास ड्रॉप कर देगा, तो बहुत ही सस्ता पड़ा है। टोटल 500 रुपीज़ मैं इसका पे करूँगी नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए, और वापस ये मुझे आमेर पैलेस से होते हुए जल महल के पास ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों फाइनली मैं आ गई हूँ जयगढ़ फोर्ट, तो चलो डायरेक्ट जयगढ़ फोर्ट के अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर देखते हैं जयगढ़। ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ जो है मतलब आर्मी रहती थी और यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पे एक तोप है, तो चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। दोस्तों ये है यहाँ का टिकट काउंटर, मैं भी जा कर के अपना टिकट ले लेती हूँ।
दोस्तों मैं अभी आ गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं आ गई हूँ जयगढ़ फोर्ट। यहाँ पे मैंने टूरिस्ट गाइड कर लिया है और ये है मेरे टूरिस्ट गाइड, और इन्हीं के साथ मैं बाइक में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ पैदल चलना पड़ता है और बहुत तेज़ धूप है, पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों आमेर पैलेस विजिट करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ जयगढ़ फोर्ट, और जयगढ़ फोर्ट में सबसे पहले मैं रुकी हुई हूँ इस स्टॉप पे। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनन, या इसे तोप भी कह सकते हो, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप है और इसे राजा जयसिंह ने 1720 में बनवाया था। ठीक इसके ऊपर आप एक टीन का शेड देख रहे हो जिसे इंग्लैंड से मंगाया गया था, क्योंकि उस समय इंडिया में टीन का मतलब काम नहीं होता, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ जयगढ़ फोर्ट में बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिले हैं मुझे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों ये है वो टैंक जहाँ पे 1976 में खजाना मिला था, और वहाँ उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो यहाँ से गवर्नमेंट को 1976 में बहुत बड़ा खजाना मिला था। तो ये जो जगह है यहाँ पे तो अभी जाना अलाउड नहीं है, बिल्कुल ये लॉक है टूरिस्ट के लिए, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग प्लेस लगा मुझे। दोस्तों अभी मैं किले के अंदर आ गई हूँ, ये है आर्मी के वेपन्स, और यहाँ पे ये देखो ये जगह है, यहाँ पे सारे सोल्जर्स रहते थे और यहाँ पे उनके कुछ कुछ वेपन्स भी रखे हुए हैं डिस्प्ले में। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। बहुत थक गई हूँ, सामने ही यहीं पे जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है, तो मैं जा रही हूँ यहीं पे मैं लंच कर लेती हूँ। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन है, तो चलो यहीं पे हम ना लंच कर लें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं जहाँ भी जिस जगह भी जाती हूँ उस जगह का ट्रेडिशनल ऑथेंटिक फूड ही ट्राई करती हूँ, तो अभी मैं आ गई है मेरी राजस्थानी थाली जिसमें कि गट्टे की सब्जी है और दाल है, कुछ अलग टाइप की एक और सब्जी है और रोटी है और जीरा राइस है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सुबह मैं जल्दी निकल गई थी आमेर फोर्ट के लिए। एक्चुअली क्या है, आप जितनी जल्दी आ जाओ आमेर फोर्ट के लिए तो सही रहता है, एक्चुअली गर्मी भी इतनी है, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी आ गई थी तो कुछ भी खा नहीं पाई थी, बहुत ज़ोरों पर भूख लगी हुई है, तो चलो इसे फटाफट खा लेते हैं। ये देखो दोस्तों गट्टे की सब्जी, मक्का बाजरे की रोटी और तड़का दाल के टेस्ट को अपने दिल में लिए हुए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। यही एक रीजन है कि आई जस्ट लव माई इंडिया। मतलब हर स्टेट की अलग खूबसूरती है अपने देश में, और वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, और मोस्ट स्पेशली
ये पगड़ी जो बिल्कुल ही मेरे लुक को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। तो बड़े ही प्यार से अब मैं आगे बढ़ रही हूँ मेरे ऑटो वाले भैया के साथ नाहरगढ़ की तरफ। सो मिलते हैं डायरेक्ट आपसे नाहरगढ़ पे। दोस्तों अभी मैं ठीका किले के सामने आ गई हूँ, नाहरगढ़ फोर्ट के सामने, और ये यहाँ की एंट्री है। ये देखो सामने लिखा हुआ है माधवेंद्र भवन। तो मैं किले के अंदर जा रही हूँ। सनसेट पॉइंट, तो यहाँ से अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, देखती हूँ सनसेट पॉइंट कैसा है। दोस्तों एक छोटी सी वॉक, 200 मीटर की वॉक के बाद अभी हम आ गए हैं फाइनली उस पॉइंट पे जिसे नाहरगढ़ का सनसेट पॉइंट कहा जाता है। तो ये देखो ये वो पॉइंट है। दोस्तों इस जगह पे आना बिल्कुल ही वर्थ इट है, क्योंकि जब इस पॉइंट पे आते हो तो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है आपको पूरे जयपुर शहर का, जो कि बहुत ही मतलब पूरा जयपुर शहर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और रात में यहाँ पे लाइटिंग होती है और रात से तो एक अलग ही व्यू रहता है, एक मेस्मराइजिंग व्यू रहता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस ऊँचाई से जयपुर शहर कैसा दिखता है। जल महल के ठीक अपोजिट में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं रुक गई हूँ। थक गई थी, मन कर रहा था एसी में बैठने का, थोड़ा सा रिलैक्स होने का, तो बस मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अच्छा लग रहा है, रिलैक्स अब फील हो रहा है। और मैंने मंगाया है ये मेरा कोल्ड कॉफ़ी, उसे मैं इंजॉय करूँगी। और अच्छा लग रहा है अब जाके ना, थोड़ा सा रिलैक्स जैसा लग रहा है। मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मुझे जल महल का नाइट व्यू अभी कैप्चर करना है। डे का मैंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, यहाँ मैं रुकी थोड़ी देर के लिए अभी रिटर्निंग में आते समय, लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद यहाँ का जो है वो बहुत सुंदर लाइटिंग यहाँ पे होती है, तो उसे कैप्चर करने के लिए मैं रुक गई हूँ। तो चलो थोड़ी देर रुकते हैं और लेट मी इन्जॉय माई कोल्ड कॉफ़ी। जब आप थके हुए हो तो ये बिल्कुल ना के शरीर में जान डाल देती है। दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ जल महल के सामने, ठीक है आप मेरे सामने देख सकते हो जल महल, और ये शाम का व्यू है यहाँ का। मैं शाम को दुकान लगाती हूँ और राजस्थानी चूड़ी बेचती हूँ और सस्ते रेट में बेचती हूँ। ओके सो दोस्तों ये मैडम यहाँ पे जल महल के सामने बैठती हैं और बहुत ही अलग अलग तरह की राजस्थानी चूड़ियाँ रखती हैं। तो आप जब यहाँ विज़िट करते हो तो ज़रूर इस दुकान को विज़िट करो। ये देखो मैंने भी कुछ चूड़ियाँ ली हैं यहाँ से और बहुत ही रिजनेबल और सही रेट पे है। सो थैंक यू।
दोस्तों पूरा दिन घूमने के बाद अब मैं आ गई हूँ मेरे हॉस्टल। ये है मेरे हॉस्टल का लॉबी एरिया। रूम में मैं नहीं गई हूँ क्योंकि रूम अभी खाली है। जितने भी मेरी रूममेट्स हैं वो भी बाहर घूम रही हैं, तो वो जब आ जाती हैं तो मुझे अच्छा लगता है फिर रूम में। तो ये क्यूट सा टर्बन है या पगड़ी है, ये क्यूट सा टर्बन और राजस्थानी ट्रेडिशनल बैंगल्स के साथ मैं वापस आ गई हूँ मेरे हॉस्टल। और वन मोर थिंग, आज के दिन को मैंने बहुत ही एंजॉय किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जयपुर शहर में घूम करके। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और इसी के साथ मैं अपना आज का ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ।